आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की 53वीं तथा राज संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की आज पुण्यतिथि पर साप्ताहिक समारोह पर नए भारत के निर्माण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भूमिका विषय संगोष्ठी में NETF के अध्यक्ष अनिल सहस्रबुद्धे ने कहा, आजादी के शताब्दी वर्ष तक दुनिया का सिरमौर होगा भारत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिलक्षित होते हैं महंत दिग्विजय नाथ के विचार। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर की अध्यक्षता में चौरी चौरा थाने पर थाना समाधान का किया गया आयोजन। फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने महानगर के पदाधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, प्रदेश के सभी जिलों में तेजी से हो रहा है काम, जनता भाजपा के काम से खुश, महानगर में ज्यादातर सीटों पर जीतेंगे भाजपा के पार्षद। पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से हमला करने वाले दो पशु तस्करों को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक गोवंश, एक पिकअप गाड़ी, एक सरिया, ईंट के टुकड़े व शीशे के बोतल को किया बरामद, भेजा जेल। गोरक्षनाथ मंदिर में चल रहे ब्रह्मलीन द्वय के पुण्यतिथि पर साप्ताहिक समारोह के अंतर्गत सप्त दिवसीय श्री राम कथा का तात्विक विवेचन के चौथे दिन कथा व्यास ने कहा, भगवान होते हैं प्रेम के भूखे, प्रेम से भक्त जो चाहे करवाता है अपने भगवान से, भगवान वह सब कुछ करने लगते हैं भक्त के लिए। उत्तर प्रदेश एथलेटिक्स संघ के समन्वय से राज्य जूनियर एथलीट्स बालक व बालिका अंडर 20 दो दिवसीय खेल प्रतियोगिता का रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने किया शुभारंभ। प्रदेश के विभिन्न मंडल के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में लिया हिस्सा, दिखाया अपना प्रतिभा। रविवार को समापन में सदर सांसद उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को करेंगे सम्मानित। गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह सकुशल व संपन्न। नए सदस्यों को दिलाया गया कर्तव्यों के प्रति शपथ। अध्यक्ष रत्नाकर सिंह ने कहा, समाज के प्रति संकल्पित व्यक्तियों को किया गया सम्मानित। और गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में चल रहे फुटबॉल लीग मैच में धर्म स्पोर्टिंग ने सेंट्रल यूथ फुटबॉल क्लब को 3-0 से हराकर किया जीत हासिल। गोरखपुर फुटबॉल क्लब के सचिव हमजा खान ने दी जानकारी।